Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. So, Dr. L.J. Shankar ji ke isi tarike savage reply ki wajah se wo as a politician jitna famous nahi hai, usse kafi zyada as a social media star famous hai. Aaj ki is video mein na India ke foreign policies aur Dr. L.J. Shankar ji ke kuch khas khubiyon ke bare mein baat karenge. इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ना आपको तीन स्टेजेस देखने को मिलेंगे, पहले नेहरू आइडियलिज्म, उसके बाद स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, देन इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। अभी अगर मैं नेहरू आइडियलिज्म की बात करूं तो नेहरू जी के टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसीज थे उसको दे दो एंड ले लो पॉलिसीज बोलते, क्योंकि उनके टाइम पे ब्रिटिशर्स आके बोलते थे हमको कोहिनूर चाहिए, ले लो, हमको मयूर सिंहासन चाहिए, ले लो, हमको आपके हीरे जवाहरात चाहिए, ले लो, बस एक एडवीना को दे दो। और इसका नतीजा भी आप थोड़ा देख लो, अंग्रेजों ने अपने रूल के दौरान सब इंग्लैंड में इकट्ठा किया, हमारे राजा महाराजाओं के इतना सामान, चाहे वो तख्त हो चाहे वो तलवारें। ये जो मेरे पीछे आप तलवार देख रहे हैं ये औरंगजेब की तलवार है, दारा शिखों पता है ना, उसका भाई जिसको मार के वो बना था, हाँ, ये काली वाली तलवार दारा शिखों की। पीछे आप देख रहे हैं जोधपुर राजस्थान के योद्धाओं के कवच, बहुत सारी तलवारें, अलग अलग तरह के डैगर्स, मगर सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये है छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ का वो बागनाक जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। ये तो रही बात आजादी के पहले की, आजादी के बाद भी जब इंडिया एंड पाकिस्तान अलग हुए, पाकिस्तान अपना दे दो पॉलिसी ले गया और नेहरू जी अपना ले लो पॉलिसी लेके बैठ गए, जिस वजह से पाकिस्तान आके कहता है गिलगिस्तान चाहिए, ले लो, हमको कश्मीर चाहिए, ले लो। और इसी तरीके से पाकिस्तान दे दो करते करते कभी चाइना से कुछ दे दो, कभी यूएसए से कुछ दे दो, कभी सऊदी अरब से कुछ दे दो, एंड 75 साल उन्होंने बिता लिया ऐसे भीख मांग के। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब उनको देख देख के चाइना भी चला आया कि तिब्बत ले लो, नेहरू जी कहते अक्साय चीन ले लो। बेसिकली हमारे पुराने फॉरेन पॉलिसीज को अगर अच्छे से देखें ना तो ऐसा लगता है दुनिया के सारे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने का जिम्मेदारी सिर्फ हम लेके रखें और बाकी पूरा दुनिया तो बहुत हो गया ब्रेकअप। रही बात अमेरिका एंड ब्रिटेन की, वो लोग अपना मनमानी करते हैं, लास्ट में आके बोलते हैं ओ भोंसड़ी वाले चाचा नाचने के लिए बुला रहे, जॉइन हर, बस नेहरू जी खुश। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। ये सब सहने के बाद भी कुछ वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एमएनस्ट्री एंड ग्रीन पीस हर साल मुंह उठा के चले आते थे इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर उंगली उठाने। कहीं ना कहीं इंडिया की इस डरपोक फॉरेन पॉलिसी को देख के आज जब डॉक्टर एच जय शंकर जी इतना सैवेज रिप्लाई देते हैं, आपके मन में भी आता होगा क्या राज है इनके इतना साहस के पीछे। भारत करे विश्वास हर दिन डाबर च्यवनप्राश। डॉक्टर एच जय शंकर जी ने पॉलिटिकल साइंस में एमए, एमफिल एंड पीएचडी कंप्लीट किए जेएनयू यूनिवर्सिटी से, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने एज ए फॉरेन सेक्रेटरी ज्वाइन किया, अमेरिका, रशिया एंड चाइना जैसे मेजर कंट्रीज में एक बहुत ही लंबा टाइम तक उन्होंने सर्विस प्रोवाइड, जिस वजह से उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होने के साथ साथ इंडिया आज के दिन में फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री भी ओन करता है, साथ ही साथ मोदी जी का हाथ तो उनके कंधे पे है ही है, तो रिप्लाई करने में भला किससे डर। इफ आई वर टू टेक यूरोप कलेक्टिवली व्हिच हैज बीन सिंगुलरली साइलेंट ऑन मेनी थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग फॉर एग्जांपल इन एशिया, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? क्योंकि इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड लेकर रखा है रशियन यूक्रेन वॉर में, एंड इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेसेस 9 टाइम्स ज्यादा कर दिया लास्ट एक साल में, जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज काफी बार ये सवाल उठाया कहीं ना कहीं हम बैकवर्डली रशिया को फंड कर रहे हैं इस वॉर के लिए। We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Sorry for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर महीने इंडिया जितना तेल खरीदता है ना रशिया से उतना तो हर शाम को यूके खरीद लेता है, लेकिन यूके, यूरोप या चाइना अगर तेल या फिर नेचुरल गैस खरीदता है रशिया से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया अपना चूल्हा जलाने के लिए आधा लीटर तेल अगर रशिया से ले आता ना खत्म भाई, तुम करो तो रासलीला और हम करे तो पहले हम गए थे ईरान से तेल खरीदने आपने सेंक्शन लगा दिया, हम गए वेनेजुएला से तेल खरीदने आपने सेंक्शन लगा दिया, अब हम गए रशिया से तेल खरीदने, भाई इसमें भी आपका प्रॉब्लम। ओ भाई मारो मुझे। रिसेंटली जयशंकर जी से एक रिपोर्टर ने ये भी पूछा क्योंकि हम यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हैं इस रशिया यूक्रेन वॉर में, तो कभी अगर चाइना एंड इंडिया का वॉर होता है देन हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज हमारा साथ दें। इंडिया काउंटिंग ऑन ग्लोबल सपोर्ट फॉर इन इट्स स्ट्रगल विद चाइना, इट्स इश्यूज विद चाइना, हाउ डू यू थिंक यू विल बी ट्रस्टेड बाय अदर्स आफ्टर दैट? व्हाई डू यू थिंक एनीवन विल हेल्प दिल्ली after you didn't help others over Ukraine? We have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global
understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. मोटा मोटी यही बताया कि तुम अपना देख लो, चाइना को हम अपना देख लेंगे, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट 100 में से 2 ही अच्छे होते हैं, बाकी तो ऐसे ही उड़ जाएंगे. There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not pick a side? No, I'm sorry, that is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am, what, today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. And my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सोच का, क्योंकि आज के दिन में ना वेस्टर्न कंट्रीज यही सोचते हैं कि दुनिया में दो ही विंग्स है, एक वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूएस एंड यूके एंड दूसरा रशिया, ये दोनों के सिवाय कोई पावरफुल कंट्री है ही नहीं. तो हर कंट्री में ये लोग चाहते हैं दुनिया के जितने भी बाकी कंट्रीज है ना, इनको या इस तरफ या उस तरफ, ये इनका दोस्त या फिर उनका दुश्मन बना. लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर अजय शंकर जी ने पूरे सिचुएशन को संभालते आ रहे हैं. सो इसी कैपेबिलिटी के वजह से डॉक्टर अजय शंकर जी को नेक्स्ट हमारे इंडिया के पीएम बनाने के ऊपर भी बात चल रहा है. सो आपका इस विषय में क्या राय है कमेंट में जरूर. अगर इतना देर तक मेहनत से पूरा वीडियो भी देख चुके हो तो प्लीज फ्री में एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके मुझे वो भी बता.